से हमारे घर वाले भी बोलेंगे, हमारे समाज के लोग बोलेंगे, इनका चित्त ठिकाने पर नहीं है, ये तो सटिया गए, इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया फिर भी प्रभु प्रभु करते रहते हैं। तुझे प्रभु के पीछे चलने से क्या मिला है? हो सकता है हमारा पति बोल सकता है, हमारी पत्नी, हमारे माँ या बाप या पड़ोसी या रिश्तेदार बोल सकता है, तुझे क्या मिला? हम उससे बोले कि हम यहोवा के हाथ से जब सुख ले सकते हैं तो क्या दुख नहीं ले सकते? हो सकता है हम स्कूल जाएंगे तो हमारे साथ की सहेलियां या दोस्त बोलेंगे, तुझे क्या मिला चल घर पर, तू आए तो बीमार बीमार रहते, क्या मिला तू? हो सकते तो बोलते यीशु के पास चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है। हाँ एक समय था मेरे बाप ने मुझे चंगा किया था, मगर आज उसने मुझे पहले चंगा किया, आज अगर बीमारी में हूं कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक समय था उसने मेरे बिजनेस को बहुत बढ़ाया, आज नहीं बढ़ाया कोई दिक्कत नहीं। जब कोई हमारा पड़ोस या घर के लोग या इस तरह बोलते होंगे तुझे यीशु के पीछे चलने से क्या मिला है, हम अय्यूब की तरह बोल सकते हैं? जब सब कुछ ठीक होगा जब तो हम बोलेंगे, मगर सर लेके पांव तक शरीर में पूरा फोड़े से भरे होंगे तब हालत में हम होंगे तो हम बोल सकते हैं? जब सब कुछ ठीक होता तब तो हम यहोवा को धन्यवाद देते हैं, मगर जब बीमारी के बिस्तर में है और कोई आकर हमें जब सलाह देगा तू अभी भी खराई पर है, हम बोलेंगे नहीं भैया मुझे तू कहीं लेकर चल यहां से, मैं तो बहुत बीमार हूं। मगर अय्यूब ने बोला हम अपने परमेश्वर से जब सुख लिया है तो क्या दुख नहीं लेंगे। जय मसीह की, एक बार सबको जय मसीह की। क्या सीख रहे थे हम पिछले दिनों में अय्यूब के बारे में? क्या एक समय था परमेश्वर शैतान के सामने बड़े गर्व से बोलता है कि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, उसकी तरह खरा सीधा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला इस पृथ्वी पर और कोई जन नहीं। कहने का मतलब परमेश्वर बोल रहा है, किससे बोल रहा है? शैतान से बोलता है। अगर हमारे बारे में बोले तो हम खरे हैं, खरे का मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं, खरा उसे ही बोलते जिसमें कोई मिलावट, यानी कि कोई मिक्स नहीं, बिल्कुल पेवर माल। हमारे अंदर तो अगर प्रभु चेक करेगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। तो इसीलिए हम ऐसे बने ताकि जैसे अय्यूब के प्रति प्रभु गर्व कर रहा था हमारे लिए भी वो कर सके। हम ऐसे नहीं हैं, है कमियां, मगर सुनने के बाद उस लेवल पे हमें आना है कि जब पुराने नियम का व्यक्ति इस लेवल पे आ गया तो क्या मैं नहीं आ सकता? कि जो जिसके पास ना तो पवित्र आत्मा थी, ना जिसके लिए लहू बहाया गया, ना जो ऐसे चर्च में इकट्ठा होकर संगति करता था, जब उस व्यक्ति का ऐसा लेवल है तो क्या मेरा नहीं हो सकता? तो उस लेवल में आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मन होना चाहिए, नहीं तो बस सुन लिया और चले गए, ऐसा नहीं होना। हमारे अंदर भी वो उस कद तक आने का मन होना चाहिए। मगर जब आगे जब हमने देखा तो परमेश्वर क्या कहता है, शैतान क्या कहता है परमेश्वर से, वो बिना लाभ के बिना बजे के तेरी सेवा तेरा भय नहीं मानता, क्योंकि वो इसलिए भय मानता उसने तूने उसके घर पर उसके काम पर बड़ी आशीष और बाड़ा बांधा है। वो कहता जरा उसको छू तो सही, फिर देख तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा, वो निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा जा, तेरे हाथ में दिया उसको, मगर उसके प्राण को उसको छूना नहीं, उसके प्राण को मना कर दिया, मगर उसके घर की संपत्ति सब बच्चे सब क्या हो गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद होने खत्म होने के बाद भी क्या बोलता है वो, कि मैं माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया, क्योंकि मैंने कौन सा कहीं से लेके आया, उसी ने मुझे दिया था तो उसने वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं।
यहोवा का नाम। तो उस लेवल पे हमें आना है। हमारा तो थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं, मगर वो कहता है मैं तो यहोवा का नाम धन्य है। कहने का मतलब हम सीख कर जा रहे कि अय्यूब ऐसा था, वो तो ऐसा था, हमें भी उस लेवल में क्या हो आना है। क्योंकि जिसको भी देखो तो सब अपने स्वार्थ में लगे हुए, बस मेरे मैं ठीक रहूं, कोई समस्या नहीं आए, कोई परेशानी, तो हम धन्यवाद देते रहेंगे। कुछ गड़बड़ हो गया तो धन्यवाद भी बंद, संगति भी बंद, सब कुछ बंद। बहुत से तो ऐसे हैं और कहीं दूसरा रास्ता भी ढूंढने लग जाते हैं, मगर प्रभु की दया है कि हमने अभी तक कोई दूसरा खटखटाया नहीं दरवाजा। तो हम अय्यूब के एक एक बातों से हम सीख रहे हैं। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, निकालेंगे वचन निकाले हम। पहले में क्या हो गया, वो पहली परख में क्या हो गया, वो पास। अभी हम दूसरा शैतान को दूसरा मौका देते हैं वो। तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं, निकाल ले बेटा, क्योंकि निकाले वो अय्यूब जो हम सीख रहे थे अय्यूब से। उसका 21 और 22 पढ़े एक बार, फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, एक का 21 और 22। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हाँ, यानी कि जब 21 और 22 में हमने पढ़ा, उसके सारे बच्चे खत्म हो गए, उसके घर बहुत सारी गदियाँ थी, गाय बैल थे, भेड़ बकरियाँ थी, सब क्या हो गए वो, उसके दास दासी भी थे, सब खत्म हो गए। तब हमने 21 और 22 पढ़ा था कि यहोवा का नाम धन्य है सब कुछ खत्म होने के बाद भी। और कहता है इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष, कुछ दोष नहीं लगाया। जब हम आप वो पहली परख थी, उसमें क्या हो गया, वो अब जो दूसरी परख हम देखने जा रहे हैं, तो इनके जीवनों से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ऐसे नहीं इधर से सुनकर इधर निकाल लिया, इनसे हम सीख कर जानना है। अब दूसरी में जब हम देखते हैं, पढ़े बेटा दो, इधर ऐसा करो, इसका 2:3 से हम पढ़े ये दूसरी परीक्षा जो है, ताकि आपको समझ में आए। इतनी आयत पढ़वानी नहीं चाहिए थी, मगर फिर भी आपको समझने के लिए पढ़े बेटा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? अब दोबारा बोलता है कि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई नहीं है, दोबारा फिर बोल रहे प्रभु। हाँ, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। समझ में आया, लिखा है यद्यपि। यद्यपि का मतलब लिखा है कि जब परमेश्वर ने बोला बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, तो कहता है यद्यपि तूने मुझे, यानी कि बिना वजह से, बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा। किसको उभारा था? परमेश्वर ने शैतान को उभारा था, जो तेरे हाथ में दिया। तो इधर वचन में पढ़ते हैं, तूने मुझे बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी अब तक वो अपनी खराई पर बना है। यानी कि बिना कारण के उसका मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, फिर भी अभी भी वो क्या है, खराई पर बढ़ना है। आगे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। दे देता है, हाँ। इसलिए केवल प्राण के बदले आदमी सब कुछ दे देता, नहीं
कि भैया मेरी जान बचा लो, जो चाहिए ले लो, प्राण के बदले सब कुछ दे देता है आगे। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अभी शैतान बोला परमेश्वर से, केवल अपना हाथ बढ़ा के उसकी हड्डी और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। कौन बोल रहा है? शैतान परमेश्वर से कहता है, तू उसकी हड्डी को और उसके मांस को तू छू, यानी कि उसको थोड़ा तंग कर, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। आगे यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है। वो तेरे, यानी कि अभी देखो शैतान की इतनी ताकत नहीं कि उसके लोगों को छू सके जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे। तो कहता है, सुन, तेरे हाथ में है, यानी कि परमेश्वर अय्यूब को शैतान के हाथ में दे रहा है। ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है? वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अब क्या कहता है? केवल उसका क्या करना, क्योंकि तूने उसके प्रॉपर्टी घर वार तो सब बर्बाद कर दिया है, अब तू उसको भी हानि पहुंचाना पहुंचा दे, मगर उसके प्राण को छोड़ देना। आगे पढ़े, तब शैतान यहोवा के साथ, कहने का मतलब परमेश्वर शैतान को जितनी अनुमति देगा उतना ही वो हमें क्या कर सकता है, हिला सकता है, डुला सकता है, जितना भी, उससे ज्यादा जितना वो बोलेगा उतना ही। तो इसलिए उसको प्राण के लिए क्या किया था, मना किया था। आगे तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। हाँ? और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। इसका बेटा 6 पड़े। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है। वो तेरे हाथ में है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने उसको क्या करा, अय्यूब को शैतान के हाथ में दे दिया। तो इधर जब पढ़ते समय आज जो हम सीख रहे हैं, हमारी आयत यही समझ लो, शैतान को परमेश्वर ने हाथ में दे दिया अय्यूब को। तो यहाँ पर जो आज हम सीखेंगे, ये दूसरा कदम, जो पहली परीक्षा आज दूसरी परीक्षा है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अय्यूब को सिर से लेकर पांव तक क्या है, फोड़ों से भर दिया, सर से लेकर पांव तक फोड़े से भर दिया। तो इससे हम देखते हैं बीमारी जो है, जैसे इसको ये फोड़े की जो बीमारी थी, ये बीमारी किधर से आई है, शैतान की तरफ से। अनुमति किसने दिया है, परमेश्वर। तो भेजा किसने है, ये शैतान ने। तो यहाँ पर लिखा है, अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित कर दिया। तो आज जो हम सीखेंगे, ये जो इसको जो बीमारी दी उसको, तो सेवकों को या विश्वासी को पवित्र और सिद्ध करने के लिए ऐसी समस्या भी वो डालता है। किसके लिए? पवित्र और सिद्ध करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे पौलुस के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, वो निकालेंगे कुरंथियो दूसरा कुरंथियो 12:7 पढ़े। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे। यहाँ पर हमने पढ़ा बिल्कुल साफ साफ, हम जानते हैं पौलुस के बारे में, उसने कितनी पत्रियां हमें लिख कर दी है, उसके पास परमेश्वर का बहुत प्रकाशन भी था, बहुत भेद जानता था। कौन? पौलुस। तो वो खुद कहता है, पढ़े बेटा दोबारा से, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं। क्योंकि आज बहुत से व्यक्ति जिसको प्रकाशन परमेश्वर का मिल गया, बहुत से लोग फूल कर बैठे हैं, प्रभु ने कुछ उनको ज्ञान दिया, कुछ चंगा करने का या आत्माओं का परख, जो भी गिफ्ट दिए वो क्या हो गए, आज बहुत से लोग फूल गए। तो इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। हाँ? अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे। शैतान का दूत मुझे घूसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। ताकि मैं फूल ना जाऊं। आगे इसके विषय में
मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि यानी कि जो शैतान उसको घूसा मारने का मतलब जो उसको पीड़ा देता था, जो परेशान करता था, उस परेशानी से बचने के लिए पौलुस ने परमेश्वर से 3 बार विनती भी की कि प्रभु ये परेशानी, ये दिक्कत, ये क्या हो जाए, हट जाए। तो लिखा इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह मतलब मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इधर देखे, क्योंकि मेरी सामर्थ यानी कि मेरी ताकत निर्बलता में, यानी कि जब तू कमजोर होता है। इधर लिखा है मेरी सामर्थ, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इधर साफ साफ लिखा है, पौलुस कहता है कि जो शैतान, जो मुझे शैतान का दूत जो घूसे मारता था, उसके वजह से मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि ये क्या हो जाए, दूर हो जाए, मगर वो दूर नहीं हुआ। कहने का मतलब ये जो कांटा जो चुबाया गया था पौलुस के लिए फायदा था, अगर वो नहीं होता तो ये क्या हो जाता, फूल जाता कि मेरी तरह कोई सेवक नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवनों में भी ऐसा क्या होता है, कांटा चुभोता है। आज बहुत से लोग सोचते हैं हम तो अच्छी तरह चलते हैं, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट, बीमारी, परेशानी, वो इसलिए कि बेटा कहीं ऐसा ना तो फूल ना जाए, इसलिए क्या करता है वो, कांटा चुभो कर रखता है। तो उधर हमने पढ़ा है शैतान की ओर से एक दूत आकर उसको क्या करे, घूसे मारे। घूसे का मतलब पौलुस के यहाँ बताते हैं कि उसको सीने में जैसे सांस की बीमारी है ना, ऐसी उसको दिक्कत थी, क्योंकि सेवा करते समय उसको कितनी बार मारा था ऐसे नगर से, लोग समझते थे कि तो मर गया होगा, उसको घसीट कर बाहर ले जाकर फेंक देते थे, मगर प्रभु की दया वो दोबारा से खड़ा होकर फिर बल पाकर फिर इधर कभी इधर भगाया मार के तो कभी उधर सेवा, उधर से भगाया उधर सेवा, ऐसे करता रहा वो। तो इधर पढ़ते समय कहने का मतलब जो जो हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, बीमारी, जो दिक्कतें हैं, वो हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें सिद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए क्या है, ये प्रभु कभी 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 कांटा चुभो कर रखता है। तो उधर परमेश्वर ने ही उसको क्या, शैतान को अनुमति दी थी कि जा तेरे हाथ में। आप देखना जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु खुद कहता है कि तुम्हारा एक एक बाल भी क्या है, कि अगर एक बाल भी गिरना है तो मेरी मर्जी में। तो फिर शैतान ऐसे कैसे हमें बर्बाद कर सकता है, वो जितना अनुमति दे, उससे बोला ना तू उसको सब कुछ तेरे हाथ में, मगर उसके प्राण को नहीं छू। उसके अय्यूब को सर से लेकर बाल पांव तक क्या हो गया, फोड़े से भर गया। जब इतना सब कुछ भरने के बाद एक को छोड़ दिया उसने, किसको, उसकी पत्नी को छोड़ दिया। बड़े बेटा वापस अय्यूब में जाए, पढ़ेंगे उसका 9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। इधर ध्यान से सुनना, अय्यूब का सब कुछ खत्म होने के बाद उसके शरीर में पूरे फोड़े से भर गया वो, अब उसकी स्त्री क्या बोल रही है, अभी भी तू क्या है, खराई पर, सब कुछ बर्बाद हो गया तेरा, सब कुछ नष्ट हो गया, तेरे शरीर में भी इतने सारे फोड़े हो गए। फोड़े जब हो गए तो वो क्या करता था, खुजली मस्ती है ना, तो क्या करता था वो, पत्थर एक बर्तन, जैसे पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, तो कहीं टूटा हुआ मिल गया होगा टुकड़ा, उससे ही अपने जख्म को क्या, खुजली होती तो वहाँ पढ़ेंगे दोबारा बेटा उसको। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी,
क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर के निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ। यानी कि परमेश्वर ने सब कुछ खत्म करने के बाद स्त्री को बचा दिया था, किस लिए? ताकि इसको क्या करे? अब सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हो? आज हमसे बहुत से लोग बोलते हैं, इतर को प्रभु के पीछे चलने से मिला क्या है? प्रभु प्रभु करता रहता, तेरी बीमारी, तेरी परेशानी, तेरी ये तो दुनिया भर की है, अभी भी तू खराई पर बना है। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय, एक तो ये जो हम अब तीसरा कदम जो पढ़ते हैं, इसमें लिखा है जब पत्नी को परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्या कह रही वो, एक बार फिर से ध्यान से पढ़ ले इसको। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। हाँ? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? हाँ, इधर जब पढ़ते समय, यानी कि इतना वो बोल रही फिर भी अय्यूब क्या कहता है, वो प्यार से ही जवाब दे रहा है वो। यहाँ पर जब हम पढ़ते समय, यहाँ पर लिखा है जो हमने नौ पढ़ा था उधर ऊपर, कि इतना सब कुछ बर्बाद होने के बाद वो बोलती अभी भी तो क्या है, खराई पर। हाँ, तो यहाँ पर जो मेन जो बातें हैं, बस जल्दी से हम खत्म कर, मैं कर दूंगा यहाँ पर। स्त्री जब हमारे साथ ऐसा वो बड़ा कठोर शब्द बोल रही, वहां पर बेटा दोबारा से वो नो लगाए। हाँ, यहाँ पे लिखा बोल क्या रही वो, इतना सब कुछ खत्म होने के बाद भी अभी भी तू क्या है, अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर के क्या कर तू, निंदा कर, भले मरना है तो मर जा। मगर उसके बीच में भी जो प्रभु का सेवक बोलता है अय्यूब, एक आयत और पढ़ ले, पढ़ो पढ़ो पहले लूका, ये अपना कुलुसियो, माफ करना कुलुसियो, उसका 3:19 से हम निकाल के पढ़ेंगे। हे पतियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ? और उनसे कठोरता ना करो। हाँ? हे बालको, इधर इफिसियो 5:25 भी पढ़े हम। हे पतियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, इधर ये 2-3 आयत पढ़वाने का मतलब ध्यान से सुनना। स्त्री इतना कठोर शब्द जब उसको बोलती है कि तेरा सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी अभी भी तू खराई पर है, तू क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर, मरे तो चाहे मर जा। मगर उस बीच में भी जैसे हमने ये 2 आयत मैंने पढ़वाई है, क्योंकि कभी भी हम स्त्री के साथ कठोर शब्द ना बोले। इधर लिखा है, दोबारा से पढ़े बेटा 25 ये। हे पतियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने क्या करा, कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। तो उसी तरह कहता है, हे पतियो, अय्यूब की पत्नी उसके बारे में इतना बोल रही फिर भी उसके बीच में उसने कोई गलत शब्द नहीं बोले। कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर हमको, देखो सब कुछ खत्म हो गया मगर पत्नी को बचा दिया, और किस तरीके से बोल रही है वो, कि तू मरे तो चाहे मर जा, मगर उसकी क्या कर तू, निंदा कर। परमेश्वर कभी कभी हमारे साथ ऐसे होने देता है। तो उस बीच में यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि मसीह ने भी जैसे कलीसिया से प्रेम किया, हाँ, और अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर जो मेन बात है जो हम सीख कर जाएंगे आज, अय्यूब की जो पहली परख है उसमें पास हो गया, दूसरे में जब उसको फोड़े हुए तो उसकी पत्नी उसको क्या कहती है, अपने परमेश्वर की क्या कर तू, निंदा कर। तो वहां पर एक आयत और पढ़वाऊंगा फिर मैं आगे जाएंगे हम, पढ़े बेटा वो भी पढ़ ले हम।
मैंने बहुत बार देखा कि जब पत्नी चिल्लाती है या चिढ़ाती है तो परमेश्वर हमको उनके द्वारा भी परखता है। क्या करता है? उनके द्वारा भी परखता है। किस लिए? क्योंकि इससे पहले जो आयत हमने पढ़ी थी, पढ़े बेटा 19 सही है, यहां पढ़े, हे पतियो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। जब पत्नी ने इस तरीके से बोला, अय्यूब ने कठोरता से जवाब, कोई कड़वा वचन या कुछ ऐसी बात नहीं बोली। तो यहां पर इस चीज से हम क्या सीख कर जाएंगे, पत्नी के ऊपर जो चिल्लाती है चिढ़ाती है तो परमेश्वर हमको क्या करता है, उसके द्वारा भी परखता है कि हम यीशु के प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि यानी कि जैसे सुलेंद्र भाई काम पर जाते हैं, ये उस दिन काम पर नहीं गए, इनकी जगह पे मैं चला गया। समझ में आया है? उनकी जगह पर मैं चला गया। तो कभी कभी परमेश्वर जो है, जैसे स्त्री के द्वारा भी उसने बोला, तू अभी भी खराई पे है, सब कुछ बर्बाद हो गया, तू परमेश्वर की क्या कर, निंदा कर, चाहे मरे तो मर जा। तो वहां पर भी समझ लो पत्नी के द्वारा उसके क्या हो रही है, परख हो रही है। तो यहां पर जब हम पढ़ते समय उसने उसको कोई ऐसे कठोर जवाब नहीं दिए। जो मैंने ये दो आयत इसीलिए पढ़वाई है कि जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए क्या अपनी जान दे दी, तो हम भी अगर मान लो सबसे ज्यादा, अब देखो सब कुछ खत्म हो गया, पत्नी बची है, वो भी इस तरीके से शब्द बोल रही है, मगर उस बीच में भी उसने कोई गलत शब्द नहीं, तो वो कुछ भी बोल सकता था उसको, मगर उसने ऐसे कोई गलत शब्द नहीं बोले। कहने का मतलब वहां पर भी अय्यूब की क्या थी, देखो जब इतना सब कुछ मर गया तो बीवी भी मर सकती थी, मगर उसको परखने के लिए उसको बचा लिया। तो यहाँ पर जब देखते हैं जो सच्चे प्रतिनिधि यानी कि ये यीशु के जैसे बनने के लायक है या नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यीशु जो है वो आयत फिर पढ़ेंगे निकालेंगे, मरकुस पत्नी अगर हमारे ऊपर चिल्लाती है या हम आपको हमको चिढ़ाती है, यानी कि परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, वो परख रहा है कि हम उनके द्वारा भी हमारी क्या है, ये परख है। निकाल लेंगे बेटा मरकुस 3:21। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वह उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वह कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले। किसको किसको पकड़ने निकले? यीशु मसीह को। कौन निकले? उसके कुटुंबी यानी उसके घर के लोग ही निकले। क्या कह रहे, क्या बोलने लगे? क्योंकि वह कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। उसका चित जो है अभी ठिकाने पर नहीं है। तो मेरा इधर कहने का मतलब, कभी कभी नाम ले तू मैं, जैसे अर्जुन भाई है, सविता बहन बोलती होगी, ये तो है ना बुड्ढे हो गए, सट्टी आ गए, ये तो इनका चित ठिकाने पर नहीं है। उस बीच में हम क्या बोले, समझ में आ रहा है? शायद परमेश्वर हमको उनके द्वारा क्या कर रहे हैं, परख रहे हैं। ये तो क्या हो गया, बुड्ढे हो गए, सटा गया अब तो, ये कोई नहीं भाई तुझे जो बोलना। पहले मेरे को भी कुछ बोलते थे इतना गर्म हो जाता था, मगर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चे खुद बोलते हैं, पापा तुम्हें क्या हो गया, कुछ बोलते ही नहीं तुम तो। क्योंकि पहले तो क्या हो गया, एक मिनट में क्या उलट पुलट, अभी क्या है, शायद प्रभु ने सब कुछ खत्म कर दिया, इसको रखा है परखने के लिए। समझ में कुछ आ रहा है?
तो अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, किसको बचा दिया? पत्नी को। और बोल क्या रही वो, तू अभी भी खराई पर बैठ, सब बर्बाद कर दिया तूने, अभी भी तू खराई पर बैठा है, निंदा कर उसकी, मर तो चाहे मर। उधर वो जवाब क्या दे रहा है, वो पढ़े बेटा द्वारा 10। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले, दुख ना ले। तू कैसे मूर्खता की बात कर रही है कि उसके निंदा कर मर जा, तू ऐसी बात शोभा नहीं देते जो बोलती है। अगर उसके हाथ से हम सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले। कितना प्यार से उसको जवाब दे रहा, उसको लड़ मर नहीं रहा, वो प्यार से जवाब दे रहा। तो अय्यूब को क्या कर रहा है इधर, पत्नी के द्वारा भी क्या है, परख है। उसी तरह परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसे लोगों के द्वारा परखेगा। तो इसकी ये पहली परख, दूसरी परख, आज ये तीसरी परख थी उसकी, जो क्योंकि पहले में तो क्या था, पहले में जब उसका सब कुछ खत्म हो गया था उसमें पास, अभी क्या हो गया, फोड़े हो रहे उसमें भी क्या है, जबकि उसकी पत्नी भी उसको बोल रही है इसके क्या कर तू, निंदा कर दे। अगर हमको भी जब कोई बोलता होगा उस बीच में हम क्या जवाब देते हैं, ये है मेन बात। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा ये है कि हम कुछ सीख कर जा रहे हैं कुछ या नहीं? जब परमेश्वर ने उसका गाय बैल सारे 10 बच्चे थे सब खत्म कर दिए, तो बीवी को भी खत्म कर सकता था वो, मगर उसको बचा के रखा। कहने का मतलब परमेश्वर हमें सीध और पवित्र बनाने का काम कर रहा है उनके द्वारा। हो सकता है मेरी पत्नी के द्वारा भी मेरी परख होती, मैं तो कितनी बार हो जाता था गर्म, मगर प्रभु धीरे धीरे अब कृपा दे रहा है, क्योंकि हम सीख कर जा रहे हैं। अगर हम सुन लिया और सीख नहीं रहे, फायदा क्या सुनने से? फिर हो सकता है बहन मीनू को अमित के द्वारा परख, अमित को बहन मीनू के द्वारा परख, तुम जो बोलो। क्योंकि इधर लिखा है, उधर वापस बेटा वो जो दो आयत पढ़वाई थी, इफिसियों 5, हाँ लिखा है, पतियो अपनी पत्नी से प्रेम रखो, वो चाहे कुछ भी बोले फिर भी क्या करो, कहेंगे भाई ज्यादा प्रेम करेंगे तो कोई सर पे ना बैठ जाए, हा? इतना भी नहीं सर पे बिठाए, और इतना भी नहीं कि उनको कुछ गड़ भी बात। और दूसरा जो पढ़ाया था, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो, कठोरता ना करो। पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हम जो आज हमारा जो विषय है, जब अय्यूब को पांव से सर से लेके पांव तक फोड़े हो गए, ये दूसरी परख थी, पहले में क्या हो गया वो फोड़े के टाइम पर भी हम जब देखते हैं। आज हो सकता है हम हमारे शरीर के द्वारा भी परख है, तो आइए हम प्रभु से थोड़ी देर प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू इन वचनों के द्वारा मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने भी उस अपमान को धीरज से सह लिया, क्योंकि कुछ लोग बोलते थे इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, उसको जो भी बोलते थे वो धीरज से सह लेता था। आज हम थोड़ा सा अपने आप को जांच कर देखें,
अय्यूब को, उसकी पत्नी उसके ऊपर चिल्लाती और चिढ़ाती है कि तू अभी भी खराई पर पड़ा है, अभी भी खराई में बना है, सब कुछ बर्बाद हो गया, उसको चिल्ला के बोल रही है। परमेश्वर उसकी परख को देख रहा था, क्या सच में हम भी यीशु के तरह चलने वाले व्यक्ति हैं, जैसे वो चुपचाप सह लेता था धीरज से। उसके कुटुंबी भी उसको बोलते इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। ऐसे हमारे घर पे घर वाले भी बोलेंगे, हमारे समाज के लोग बोलेंगे इनका चित्त ठिकाने पर नहीं है, ये तो सटिया गए, इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया फिर भी प्रभु प्रभु करते रहते हैं। तुझे प्रभु के पीछे चलने से क्या मिला है? हो सकता है हमारा पति बोल सकता है, हमारी पत्नी, हमारे माँ या बाप या पड़ोसी या रिश्तेदार बोल सकता है, तुझे क्या मिला? हम उससे बोले कि हम यहोवा के हाथ से जब सुख ले सकते हैं तो क्या दुख नहीं ले सकते? हालेलुया। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? अय्यूब जो पुराने नियम का व्यक्ति है, उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हे मूर्ख स्त्री, जब हम परमेश्वर ने हमें जो सुख दिया था, अभी जो दुख के दिन हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी अपनी खराई पर बना रहूंगा। हो सकता हम स्कूल जाएंगे तो हमारे साथ की सहेलियां या दोस्त बोलेंगे, तुझे क्या मिला चलकर प्रभु के पीछे? तू आए तो बीमार बीमार रहते, क्या मिला तू? बहुत से तो बोलते यीशु के पास चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है। हाँ, एक समय था मेरे बाप ने मुझे चंगा किया था, मगर आज उसने मुझे पहले चंगा किया, आज अगर बीमारी में हूं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक समय था उसने मेरे बिजनेस को बहुत बढ़ाया, आज नहीं बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। मगर उसने अपने मुंह से कोई शब्द ऐसे नहीं निकाले। हम थोड़ा अपने आप को जांच कर देखें, जब कोई हमारा पड़ोस या घर के लोग या रिश्तेदार बोलते होंगे तुझे यीशु के पीछे चलने से क्या मिला है, हम अय्यूब की तरह बोल सकते हैं? जब सब कुछ ठीक होगा जब तो हम बोलेंगे, मगर सर से लेके पांव तक शरीर में पूरा फोड़े से भरे होंगे, तब उस हालत में हम होंगे तो हम बोल सकते हैं? जब सब कुछ ठीक होता तब तो हम यहोवा को धन्यवाद देते हैं, मगर जब बीमारी के बिस्तर में है और कोई आकर हमें जब सलाह देगा तू अभी भी खराई पर है, हम बोलेंगे नहीं भैया, मुझे तू कहीं लेकर चल यहां से, मैं तो बहुत बीमार हूं। मगर अय्यूब ने बोला हम अपने परमेश्वर से जब सुख लिया है तो क्या दुख नहीं लेंगे? तारीफ हो परमेश्वर। थोड़ा हम अपने आप को जांचे, अगर हम अय्यूब की तरह सब कुछ बर्बाद होने के बाद शरीर में भी बीमारी की अवस्था है, उस समय हम क्या बोलेंगे? अय्यूब के जो शब्द हैं उस पर ध्यान दे। हालेलुया, थोड़ा हम अपने आप को चाहे यार, अपने मुझको छोड़ भी ले, मन मेरा टूट जाए, यीशु मेरा शरण स्थान है, अपने मुझको छोड़ भी दे, मन मेरा टूट जाए, यीशु मेरा शरण स्थान है, मार्ग सकरा हो भी जाए, थगी मुसीबत आ भी जाए, भरोसा मेरा मुझे चलाएगा, मार्ग सकरा हो भी जाए, थगी मुसीबत आ भी जाए, भरोसा मेरा मुझे चलाएगा, मित्र मेरा
जिंदा कर दो भी, मेरा यीशु मेरे साथ है। आंसू मेरा पूछेगा, निंदा दूर करेगा, मेरा साथ यीशु सर्वदा। आंसू मेरा पूछेगा, निंदा दूर करेगा, कष्ट नष्ट हो भी जाए, रोग दुख आ भी जाए, आपकी पुत्री जैसे संभालेगा। कष्ट नष्ट हो भी जाए, रोग दुख आ भी जाए, आपकी पुत्री जैसे संभालेगा। अपने मुझको छोड़ दी दे, मन मेरा टूट जाए, यीशु मेरा शरण स्थान है। मार्ग सकरा हो भी जाए, तंगी मुसीबत आ भी जाए, भरा भरोसा मुझे चलाएगा। मार्ग सकरा हो भी जाए, तंगी मुसीबत आ भी जाए, भरोसा मेरा मुझे चलाएगा। मित्र मेरा यीशु हुआ, मुझे कितना आनंद है, लोग मेरी निंदा कर तो भी, मेरा यीशु मेरे साथ है। करे तो भी मेरा यीशु मेरे साथ है। धन्यवाद 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 पिता, स्तुति हो। अपने मुझे छोड़ भी दे, मन मेरा टूट जाए, यीशु मेरा शरण स्थान है। मार्ग सकरा हो भी जाए, तंगी मुसीबत आ भी जाए, भरोसा मेरा मुझे चलाएगा। हालेलुया। इतनी तंगी मुसीबत आ गई है, उसका भरोसा परमेश्वर के प्रति जो था, उस भरोसे ने उसे चलाया है। चाहे तंगी मुसीबत आ भी जाए, मेरा भरोसा मुझे चलाएगा। अगर परमेश्वर के प्रति उसका भरोसा नहीं होता तो पत्नी की बातों में आ जाता। पत्नी बोल रही कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी अभी भी तू खराई पर है, इसलिए भरोसा ही हमें चलाता है। आज हम देखें, अगर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा है, हमें फिर कोई भी भटका नहीं सकता। इन दिनों में हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, अभी अगर हम देखें तो जगह जगह जो देखने को आता है, इससे हमारा परमेश्वर की आमद बहुत निकट है। भरोसा मेरा मुझे चलाएगा। जब हम परेशानी में होंगे, हमारे मित्र भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, कितना सब कुछ खत्म होने के बाद भी तू खराई पर बैठा है,
हम उससे अय्यूब की तरह बोले, अगर हम उसके हाथ से सुख लेते हैं तो क्या दुख नहीं ले सकते? अगर ये भरोसा हमारा होगा, ये शब्द अगर हम बोलेंगे, शैतान तुरंत भागेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर अय्यूब की जगह हम होते, सब कुछ खत्म होने के बाद शरीर भी साथ नहीं दे रहा, हम जरूर भटक जाते, मगर पुराने नियम का अय्यूब, उसके शब्द देखे क्या बोलता है। यहोवा से हम सुख पाते तो दुख नहीं पा सकते क्या? उसने मुझे एक समय था इतना धन संपत्ति दिया, अगर आज सब कुछ खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। आज दुख का समय है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। हमारे प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। प्रभु आज अय्यूब की तरह कुछ लोग परेशानी में होंगे, शैतान उनसे बोलता होगा, इतना सब कुछ तेरा मैंने बर्बाद कर दिया, अभी भी तू खराई पर बैठा है। शैतान से हम बोले कि एक समय था मैंने अपने बाप से चंगाई और आशीष पाई थी, अगर आज मैं दुख या परेशानी में हूं कोई दिक्कत नहीं, मेरा भरोसा मुझे चलाएगा। हालेलुया। मेरा बाप मुझे चलाएगा, जब मैं कुछ भी नहीं था तब उसने मुझे संभाला, आज तो मैं उसकी संतान हूं, मुझे पता है कि मेरे लिए वो कभी भी बुरा नहीं करेगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु, एक एक को आपके हाथ में देते हैं, इन वचनों के द्वारा तूने बातें किया, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शैतान किसी बात में भी हमें उदास न करने पाए, उससे हमने एक सुख पाया है तो क्या दुख नहीं पाए? धन्यवाद। आइए हम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की।